कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों इन खबरों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए इन खबरों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की ब्लैक फंगस पुरुषों के लिए ज्यादा घातक, शोध में हुआ है इसका खुलासा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा भी कई राज्यों में फैल गया है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस भी है जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी हो रही है और सरकार के सामने दवा का संकट सामने आ रहा है। वहीं एक शोध से पता चला है कि ब्लैक फंगस पुरुषों के लिए ज्यादा घातक है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के इंडेन का दावा, पेटीएम से एलपीजी बुक कराएं और पाएं 800 रुपए का कैशबैक। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं। दिल्ली में बिना सब्सिडी के 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर इस समय 819 रुपए में बिक रहा है, लेकिन पेटीएम के एक खास ऑफर के जरिए आप 800 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ग्राहकों की शिकायत है कि उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि ग्राहकों ने शिकायत की है कि पेटीएम से गैस बुक की थी लेकिन उनको सिर्फ 10 रुपए ही मिले। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दूसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर, 1 जून से ये शहर हो जाएगा अनलॉक, क्या बढ़ेगा इसका सिलसिला। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन संभाग के जिलों को 1 जून से धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि इन जिलों में अब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर नितिन तवर के परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पिछले 24 घंटे में 2.54 लाख कोरोना के केस, लेकिन मौत के मामले 4,000 से ऊपर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में 2.5 लाख से अधिक नए संक्रमित मामले दर्ज हुए हैं। देश में बीते 24 घंटे में 2,54,288 और कोरोना के मरीज मिले हैं। पर दोस्तों आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में ही 4,142 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी, बोले कि अश्लील वीडियो भेजकर मांगी जा रही है रंगदारी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला अब सामने आया है। आरोप है कि व्हाट्सएप पर गाली गलौज और अश्लील वीडियो भेजा जा रहा है, रंगदारी नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोरोना के चलते रेलवे ने इन ट्रेनों को कर दिया है रद्द। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रसार और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि 12 जोड़ी एक्सप्रेस मेमू डेमू स्पेशल और भुवनेश्वर एवं सियालदह से खुलकर पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली 4 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पिछले 40 दिन में 50% घट गया है टीकाकरण, टीके की कमी के चलते कई केंद्र बंद। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे असरदार हथियार यानी कि कोविड वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण की रफ्तार काफी घट गई है। अप्रैल के मुकाबले मई में टीकाकरण की रफ्तार लगभग आधी रह गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बाजार में अब आ गई है दवा, इस लैब ने सबसे पहले किया लॉन्च। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसी राहत के बीच ब्लैक फंगस आफत बन गई है। आपको बता दें कि कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों में तेजी से ये फैल भी रहा है। हालांकि फार्मा कंपनी MSN लेबोरेटरीज ने ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पासाकोनाजोल दवा लॉन्च कर दिया है। एंटी फंगल दवा पासाकोनाजोल के बाजार में आने से संक्रमित मरीजों को काफी राहत मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में अब हर रोज खुलेगी सरकारी राशन दुकानें, बंद रखने पर डीलरों पर होगा एक्शन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राशन की दुकानें अब हर रोज खुली रहेंगी। राशन की दुकानें नहीं खोलने की शिकायत मिलने पर सरकार ने डीलरों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना से राहत के संकेत, 2 हफ्ते में करीबन 10% गिर गई है संक्रमण दर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लगातार नरमी आ रही है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान संक्रमण दर में करीबन 10% की गिरावट आई है और 1 हफ्ते से अधिक समय से प्रतिदिन नए मामलों से अधिक मरीज ठीक भी हो रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में आज कोरोना के 6,000 नए मामले, 17
17,000 से ज्यादा हुए ठीक। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ कम पड़ती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में राज्य में संक्रमण के 6,046 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 17,540 मरीज कोरोना महामारी को मात भी दे चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 7 महीने में सभी वयस्क नागरिकों को लग जाएगी वैक्सीन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 2021 के अंत तक यानी कि अगले 7 महीने में भारत इस स्थिति में होगा कि देश में हर वयस्क नागरिक को वैक्सीन लग चुकी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आज चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा यास, उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि तौते तूफान के बाद अब चक्रवाती तूफान यास देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में दस्तक देने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 26 मई को यास चक्रवात के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कर्नाटक में 7 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किया है इसका ऐलान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड 19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन की मियाद अब 24 मई से बढ़ाकर 7 जून तक करने की घोषणा शुक्रवार को कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि शिवराज सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी किया घोषित, सरकारी अस्पतालों में होगा इसका फ्री इलाज। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के प्रभाव को देखते हुए शिवराज सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। यहां पर आपको बता दें कि सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का इंतजाम भी किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बड़ा ऐलान, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा की अब तैयारी शुरू। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द किए जाने की तमाम खबरों को खारिज करते हुए परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीएसई स्कूलों में जल्द ही ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट शुरू किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट, शिक्षा मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 6 मई तक तो परीक्षाएं स्थगित हैं, उस समय तक कोरोना के मामले कम नहीं होते हैं तो उस पर उचित फैसला तब लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम अशोक गहलोत आज कैबिनेट में ले सकते हैं फैसला। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। माना तो ये जा रहा है कि प्रदेश में 31 मई या फिर 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर आज से बंद हुआ टीकाकरण, कई वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि वैक्सीन खत्म होने के कारण कई सेंटरों को बंद करना पड़ा है। दिल्ली में युवाओं का टीकाकरण भी अभी रोक दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रात 12 बजे से लेकर 14 घंटों के लिए नहीं मिलेगी पैसों के लेन देन से जुड़ी ये सुविधा, जल्द निपटाएं अपना काम। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने कहा है कि टेक्निकल अपग्रेड के चलते कुछ घंटों के लिए ग्राहकों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये अपग्रेडेशन 22 मई 2021 को कारोबार बंद होने के बाद होगा। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर कि चीन में 2015 से चल रहा था कोरोना वायरस पर शोध, जेनेटिक बदलाव करके देखा जा रहा था इंसानों पर इसका असर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मानव आबादी पर खतरा बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके संक्रमण को लेकर शक की सुई अभी भी चीन की साजिश की तरफ ही इशारा कर रही है। पता ये चला है कि चीन में मानव कोशिकाओं पर इस वायरस के असर को लेकर 2015 से ही प्रयोग चल रहा था। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।